नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड। बहन के ट्वीट से तेजस्वी के शादी की चर्चा तेज। साल 2040 तक बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की तैयारी। राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगेंगे 13 राज्यों के उत्पाद। अब आसानी से मोबाइल फोन में डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म जगत से ना होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में वो नाम कमाया जिसको कमाना आज भी बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री में उन्होंने वो कर दिया जिसके आज तक किसी के लिए भी कर पाना मुश्किल है और किसी के बस की बात नहीं है। एक विलन से एक्टर तक के रोल को उन्होंने बखूबी निभाया। यही नहीं, उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर ही नहीं बल्कि राजनीति के मंच पर भी वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता या उनके वंशज नहीं कर पाए। आज शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड। बिहार के अब निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बनाए जाने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड में कई विभागों के सचिव के अलावा कंपनी और यूनियन के भी प्रतिनिधि मौजूद होंगे। यह बोर्ड राज्य के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुरक्षा पर भी नजर बनाए रखेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के 8,000 से अधिक निबंधित कारखानों में 2.25 लाख से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। इन कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए जारी हुआ 1090 करोड़ रुपए। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई में केंद्र सरकार की सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 1090 करोड़ रुपए की राशि दे दी है। इसमें पहले चरण में पूर्णिया, छपरा और समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके लिए 189 करोड़ प्रति मेडिकल कॉलेज की दर से कुल 567 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 340 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से बिहार सरकार को उपलब्ध करवा दिया है। ट्वीट से तेजस्वी की शादी की चर्चा तेज। बिहार की राजनीति में अब शराबबंदी, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी की शादी की शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। खासकर कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद से तो ये खबर पक्की मानी जा रही है। हालांकि अब तक तेजस्वी की शादी पर खुद तेजस्वी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फिलहाल आज दिल्ली में सगाई होने की खबरें भी हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी बीते दिन तेजस्वी की शादी की खबरों के बीच अपना ट्वीट जारी कर खलबली मचा दी, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि भाई के सिर पर सहरा है सजने वाला, खुशियों से गुलजार घर का आंगन है होने वाला। जिसके बाद जानकार यही बता रहे हैं कि तेजस्वी आज अपनी बचपन की दोस्त से सगाई करने वाले हैं। बिहार में बिजली का कम खपत करने वालों के घर में अब होगी मीटर की जांच। बिहार में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि बिहार के शहरी क्षेत्र में 50 यूनिट के आसपास बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर की जांच अब होने वाली है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी संजीवन सिन्हा ने समीक्षा के दौरान यह साफ कर दिया है कि ध्यान रखा जाए कि कोई बिहार में बिजली चोरी ना कर सके। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि 3 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन को काटा जाएगा। साथ ही साथ सभी से बकायेदारों के बिजली कनेक्शन अभियान में तेजी लाने की बात भी कही गई है। साथ ही इसको लेकर बिजली कंपनी पेसू के राजस्व वसूली बिलिंग प्रणाली पर गंभीरता से समीक्षा शुरू कर दी गई है। साल 2040 तक बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की तैयारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में साल 2070 तक भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2030 तक भारत के अपनी जरूरत का 50% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्स से उत्पन्न करेगा इसका भी दावा किया था, जिसके बाद ही अब बिहार में भी इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर ही बिहार ने वर्ष 2040 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की सहायता से बिहार सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने के जलवायु परिवर्तन की दिशा में बड़ा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में है। इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि साल 2040 तक हमें कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना है।
एडीजी अविनाश कुमार से बदसलूकी के मामले में पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाल ही में कुछ दिनों पहले एडीजी अविनाश कुमार से मारपीट का मामला सामने आया था। इसको लेकर ही बीते दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सीआईडी की अगली सुनवाई में जांच कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पुलिस अधिकारी मनमानी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा है और कहा है कि इस मामले की जांच एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे, साथ ही इस मामले की निगरानी सीआईडी के एडीजी खुद करेंगे। बिहार के कटिहार के त्रिमोहिनी संगम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव के एनएच 31 से रास्ता त्रिमोहिनी संगम की तरफ जाती है। प्रकृति के अनुपम दृश्य देखने को यहां पर मिलता है। यहां तीन नदियों का संगम है जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोशी का मिलन है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सूर्योदय से ही उत्तर दिशा में प्रवाहित ये दिखाई देती है। सूर्योदय की किरणें सीधे गंगा की लहरों पर पड़ती है जिसमें प्रकृति का अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। नेपाल से निकलने वाली कोसी के सप्तधाराओं में से एक सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों से गुजरते हुए यहां आकर गंगा नदी से संगम कर अपना वजूद खोलती है। 14 दिसंबर को जमुई वासियों को सीएम नीतीश दे सकते हैं बड़ी सौगात। बीते दिन तारापुर में कई योजनाओं की सौगात देने के बाद अब सीएम नीतीश जमुई वासियों को खास सौगात दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश 14 दिसंबर को जमुई जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां पर वो 498 करोड़ की मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पटना से शिलान्यास का रिमोट दबाएंगे और यहां निर्माण स्थल पर उनके मंत्री सुमित कुमार सिंह सहित जिले के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शिलान्यास की तारीख निर्धारित होने की पुष्टि मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कर दी है। सब कुछ सही रहा तो उक्त तारीख 11:30 बजे मुख्यमंत्री के हाथों मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। विमानों से उतरने और उड़ान भरने के अंतराल को बढ़ाने की शुरू हुई पहल। बिहार में विमानों से यात्रा करने वाले सभी हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की शाखा पटना में शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट आवर यानी उड़ान भरने के समय में बढ़ोतरी का अनुरोध नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किया गया था, जिस पर अब सहमति मिल चुकी है। जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट पर होने वाली अधिक भीड़ से निपटने के लिए फ्लाइट आवर्स में वृद्धि की जाएगी। पहले जहां 6 घंटे तक ही दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन हो रहा था, अब जल्द ही यहां से 8 घंटे तक विमानों का परिचालन किया जाएगा। बिहार में 28 साल बाद दिसंबर में है ऐसा मौसम। प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड होती थी, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसमें मौसम शुष्क है। बता दें कि करीब 28 साल बाद दिसंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से 2-4 डिग्री अधिक बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। एक तरह से कहे तो ठंड पूरी तरह से गायब हो गया है। पिछले एक हफ्ते में मौसम विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पारा नीचे गिरेगा, लेकिन अभी तक लोगों को उसी तरह की ठंड का एहसास नहीं हुआ है, जिसके लिए दिसंबर का महीना जाना जाता है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह बढ़ा हुआ अंतर ही मौसम को गर्म बना रहा है। राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगेंगे 13 राज्यों के उत्पाद। बिहार में बीते दिन से रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ के बैनर तले राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है, जो कि बीते दिन से 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। इसमें 13 राज्यों के 150 बुनकर और उत्पादों के साथ अपने यहां पर शिरकत करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मेले में 250 स्टॉल लगाए जाएंगे, इसमें से 100 स्टॉल बिहारियों को दिए गए हैं। पत्रकारों को संघ के सचिव अली मंसारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मेले का उद्घाटन शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की। एयरपोर्ट ने बनाया नया कीर्तिमान। दरभंगा एयरपोर्ट ने शुरू होने के समय से अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं। इसी कड़ी में अब इस एयरपोर्ट के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है, जिसके तहत केवल 13 महीने में दरभंगा हवाई अड्डे से 6 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की, यानी 6 लाख यात्री यहां हवाई जहाज से आए या गए हैं। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा हवाई अड्डा के डायरेक्टर मनीष कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 8 नवंबर 2020 से 3 फ्लाइट से घरेलू उड़ान शुरू की गई थी। आज के समय में इस हवाई अड्डे से 8 हवाई जहाज यहां पर रोजाना उड़ान भर रहे हैं, जबकि इतने ही विमानों का रोज आगमन भी होता है, यानी 16 विमान का यहां अब रोजाना आगमन और प्रस्थान है। रोजाना 2000 से लेकर 2500 तक यात्री दरभंगा हवाई सफर करने आते हैं और जाते हैं।
लोकसभा में उठी डालमिया नगर रेल वैगन कारखाना खोलने की मांग। बीते दिन बिहार सरकार के सांसद महाबली सिंह ने लोकसभा में बिहार के रोहतास में पिछले 37 सालों से बंद पड़े डालमिया नगर रेल वैगन कारखाने को लेकर खोलने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके नहीं खुलने से लोगों में हताशा और निराशा है। उन्होंने आगे बताया कि रेल मंत्री ने कहा था कि 10 से 12 साल में 2022 तक हर हाल में इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया जा सका और न ही कारखाना खुल सका है। ऐसे में इलाके के लोग काफी ज्यादा निराश है। रेल मंत्री के आश्वासन के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल था। सदन में आश्वासन मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया था, लेकिन यह खुशी जनता की धरी रह गई। अब बिहार में सीएम योगी हेमंत सोरेन और राबड़ी देवी को लगा टीका। बिहार में वैक्सीनेशन जोर शोर से किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अब तक बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के दावे भी किए हैं। ऐसे में हाल ही में कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, पीएम मोदी समेत अन्य के टीकाकरण की खबरों के बाद बीते दिन गया जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन और राबड़ी देवी के वैक्सीन की डोज लगाए जाने की जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसको देखकर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में गया जिले के सभी वैक्सीनेशन आईडी को बंद कर दिया गया। अब रोजाना पासवर्ड बदलते हुए पासवर्ड को गोपनीय रखने का निर्देश भी दिया गया है। कैक की रिपोर्ट में बिहार सरकार के विभागों का एक और कारनामा आया सामने। हाल ही में कैक की रिपोर्ट में बिहार सरकार के विभागों की पोल खुली थी, जिसके बाद अब बीते दिन एक बार फिर से सरकार के विभागों का एक और कारनामा सामने आया है, जिसके तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत आदेश के बिना ही 7000 करोड़ से भी अधिक रुपए के वाउचर और चालान जमा किए हैं। क्या की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 2019-20 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक सभी वाउचर और चालान में सुधार नहीं किया गया था। नियम के अनुसार व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू किए जाने के बाद से ई वाउचर, सब वाउचर की स्कैन की गई प्रतियां, चालान और अन्य सभी सहायक के साथ ट्रेजरी खातों को पीएजी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है, लेकिन बिहार सरकार के विभागों ने ऐसा नहीं किया है। बिहार में एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव जल्द। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव समाप्त होने वाला है। बीते दिन 10वें चरण के मतदान के बाद अब आखिरी चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है, जिसके बाद बिहार में विधान परिषद चुनाव की बारी है, जिसको लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही एमएलसी की 24 खाली सीटों को भरने के लिए स्थानीय निकायों से चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को एमएलसी चुनाव के लिए सिफारिश भेजी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, जैसे ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला बोर्ड के सदस्य के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ज्ञात हो राज्य में विधान परिषद में इस समय 51 सदस्य हैं, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 75 है। जून महीने में 24 सीट खाली हो चुकी है, जिसको की अब भरने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी की शादी की खबरों पर सीएम नीतीश ने कुछ इस तरह किया रिएक्ट। बीते दिन से बिहार के राजनीतिक गलियारे में तेजस्वी की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि रोहिणी आचार्य के अलावा राजद परिवार में से किसी ने भी शादी से संबंधित कोई बात नहीं कही है, जिसके बाद अब सीएम नीतीश ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसको लेकर अब बीते दिन पत्रकारों ने सीएम नीतीश से जब सवाल पूछा कि तेजस्वी की शादी पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए गाड़ी में बैठते हुए वो दिखाई दिए। ज्ञात हो कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर भतीजे की शादी है, जा रहे हैं कि नहीं, तो इस सवाल पर नीतीश कुमार ने पहले हाथ जोड़ा और फिर हाथों से ही नहीं का इशारा किया और बिना बोले वो गाड़ी में बैठ गए। हालांकि इन सब के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में कौन बहू बनकर आ रही है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। पीजी काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का किया बहिष्कार। बीते दिन नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने जमकर बवाल काटा, जिसके तहत इन सभी जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का ही बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर बीते दिन पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार रेडियोलॉजी विभाग के बाहर जमकर प्रदर्शन करता देखा गया और केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि नया सत्र एक साल लेट हो चुका है, ऐसे में उन लोगों पर कार्य बोझ काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के अधीनस्थ सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर इसमें शामिल है, जिसके बाद ही अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित की गई। लोकसभा में उठा खाद का मामला। इन दिनों बिहार में खाद की अनुपलब्धता बड़ी समस्या है, जिसका समाधान निकालने की कोशिश राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसी बीच बीते दिन इस मुद्दे को औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में एक बार फिर उठाया, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे बिहार में खाद की उपलब्धता करवाने की मांग की। इसको लेकर सांसद ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार के अधिकांश जिलों में अभी रबी फसल की बुआई का समय है, ऐसे में खाद की भारी किल्लत और कमी है। इतना ही नहीं, बीते दिन बिहार के कई सांसदों ने रसायन मंत्री को मिलकर उनसे
खाद की पूर्ति कराने का निवेदन भी किया है। हालांकि कुछ खाद के रैक केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाने हैं, लेकिन सांसद की माने तो फिलहाल किसानों की मांग के अनुरूप ये अभी भी बहुत ही कम है। वीआईपी को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए मिला चुनाव चिन्ह। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार के विकासशील इंसान पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया, जिसके तहत वीआईपी को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के लिए नाव छाप चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है। पार्टी इसी चुनाव चिन्ह के आधार पर यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इसको लेकर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि पार्टी की आयोग से यही अपेक्षा थी। वीआईपी को नाव छाप चुनाव चिन्ह मिला है, इससे हमारे समर्थक प्राचीन काल से ही परिचित हैं, उनकी नाव से खासी पहचान रही है। अब आसानी से मोबाइल फोन में डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड। आज के समय में आधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। ऐसे में आज एक आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने फोन में आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आधार कार्ड मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, माई आधार मेन्यू में जाकर डाउनलोड आधार ऑप्शन पर टैप करें। यहां आपको आधार एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी ऑप्शन मिलेंगे। इन तीन ऑप्शन में से आधार ऑप्शन को चुनकर 12 अंक का आधार कार्ड नंबर एंटर करें। इतना करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कैप्शा कोड एंटर करके OTP ऑप्शन पर टैप करें। अब OTP एंटर करें, इसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड ऑप्शन पर टैप करें। इस प्रोसेस के तहत आप आधार कार्ड मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मयंक अग्रवाल ने मारी छलांग। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हो गई है। ताजा टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं, जबकि स्टीव स्मिथ नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा मयंक अग्रवाल को हुआ है, जिन्होंने पहले मैच में कुछ नहीं किया था, लेकिन मुंबई टेस्ट मैच की पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बनाए थे। इसी के दम पर वो 31 पायदान की छलांग लगाकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सीरीज से पहले वो टॉप 40 से बाहर थे, हालांकि उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग टॉप 10 में रही है। इसके अलावा एजाज पटेल को भी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में मदरसा का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध 1758 में आरंभ हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में आज ही के दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। इसरो ने 2008 में यूरोप के प्रसिद्ध उपग्रह प्रणाली विशेषज्ञ EADM एस्ट्रियस के लिए सैटेलाइट का निर्माण किया। महान कवि संत सूरदास का 1484 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का 1946 में जन्म आज के दिन हुआ था। हमवीर राव मोहिते की पुत्री ताराबाई का निधन 1761 में आज के दिन हुआ था। भारतीय तबला वादक उस्ताद हनीफ मोहम्मद खान का निधन 2009 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन बिहार के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का भी जन्म हुआ था। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,280 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लग रहा है उनके नाम है शंकर मुखिया, आजमा फिरदौस, बबीता यादव, मनीष मोहरा, गौतम कुमार, पंकज कुमार दास, सिमरन परवीन, अनिल पासवान, गौतम कुमार, राजीव कुमार, मनोज कुमार, टुनटुन यादव, बिरबल कुमार, अरविंद कुमार, विवेक राज नंदिनी, रणधीर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करवा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।